करते हो मस्जिद वजीर खान में फिल्में बनाने वाले, और चांद टके दिखाते अल्लाह के घर की इतनी भी हुरमती की थी। तुहानू दस देंगे बदमाशियां कर दे हो, लबैक का नारा क्यों लगता मस्जिद फिल्म सीन क्यों फिल्माया? आप कहते हो जी हमने पाबंदी लगा दी है, पहले क्यों किया तुसी? तुहानू मस्जिद का आदाब तो पता नहीं सी? गल्लां करदे हो तुसी? रैली तो पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया, आंदा नहीं होगा, जो हुआ उनके खिलाफ पर्चा कर दो। एडी वड्डी गुंडा कर दी मस्जिद जड़िया कुड़ियों ने जान वास्ते रह गई, और साढ़े बुजुर्ग इस वास्ते कुर्बानियां दीतियां। मुड़ के लबैक के खिलाफ जी फलां जगह रैली नहीं निकालने दे रहे, तुम्हारे बाप का मुल्क है। कोई लाए अपना रूहानी बाप भी, जिस्मानी बाप भी कोई लाए जिसने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया हो। वो हमारे बुजुर्ग थे, वो हमारे बुजुर्ग थे। हमसे बड़ा कोई ना मुहिब्बे वतन है, ना कोई मुहिब्बे इस्लाम है। है तो सामने आए, खाली आशिक रसूल के दावे करना हो रहे हैं, और फैजाबाद की ठंडी हवाओं में 21 दिन बैठकर लबैक का नारा लगाना हो रहा है, 8 शहीदों को कंधों पर उठाकर आना हो रहा है, 12,000 शल खाकर भी ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाना हो रहा है। तवज्जो, असी संगत की खातिर चुप कर गए। जो कुछ तुसी साढ़े नाल कीता ते लबैक दे बंदे गिरफ्तार किए, असी तो जो तुहाडे कोल हिसाब लेना है। मस्जिद में तुसा की कीता, चादर और चार दीवारी दा तुसा किवें जनाब तकद्दस पामाल कीता, असी भुले कोई नहीं। मेरे रब दे कार कोलो डरो, असी संगत दी खातिर चुप कर गए हां, पर तू समझा मैं ही मैं वा। इस वास्ते बिल्कुल कोई किसी की बात नहीं है, हमने वही दीन बयान करना है जो रसूलुल्लाह हमें दे कर गए। मस्जिद वजीर खान के जितने भी मुतालिक जिन लोग उस साल उसमें शरीक हैं, जिन्होंने पैसे लिए, इजाजतें दी, इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, इधर फूल फेंकने पर दहशतगर्दी के पर्चे, और मस्जिद में नाचने वालों को सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि अंधा नहीं होगा, जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? और इंशाल्लाह मस्जिद वजीर खान में मैं अंदर जुमा पढ़ूंगा। तवज्जो, कहते हैं सरकारी मस्जिद है, इजाजत नहीं है जुमा पढ़ाने की, पढ़ाने की इजाजत नहीं है, पढ़ने की तो है ना। हम एक कोने में बैठकर जुमा पढ़ लेंगे, और सिर्फ मस्जिद को सलाम करेंगे कि वानल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह की है। सिर्फ सलाम करेंगे कि जो बड़े बड़े सैयद दीदार अली शाह साहब यहां जमाते कराते रहे, हाँ जी वो बड़े बड़े शेर हजरत सैयद अबुल हसनात कादरी जुमे पढ़ाते रहे, सैयद खलील अहमद कादरी जुमे पढ़ाते रहे, बड़े बड़े शेर हम दीवारों को कह देंगे वो तो बड़े थे लेकिन हमारे जैसे नालायक उनके वारिस जरूर है। इस वास्ते आपने लबैक के साथ खड़ा रहना है। लबैक किसी दहशतगर्दी पर यकीन नहीं, तसव्वुर भी नहीं है, लेकिन हुजूर के दीन की बात करना दहशतगर्दी है। नैब के शीशे टूट जाए, नैब की गाड़ियों पर पथराव हो, पुलिस पर पथराव हो जाए, वहां दहशतगर्दी का पर्चा नहीं। लबैक वाले मौली खादिम की गाड़ी पर फूल फेंक दे तो दहशतगर्दी का पर्चा। इंज नहीं होना, इत्थे हुजूर दे दीन दी गल होनी, इत्थे मंदर नहीं मिलना।
سونے مندر بنانے والے اوتے تسی وی تے تہاڈے یار وی اللہ نے فرمایا یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء فرمایا ایمان والے او میرے دشمنوں نو تے اپنے دشمنوں نو کدی یار نہیں بنانا بس یہی ہے رسول اللہ کے دین کا پیغام ہاتھ کھڑے کرو ذرا آہا ہا ہا دو میں ہاتھ ہیں ذرا نہ مندر بنن گے نہ اسلام دے خلاف کوئی زندگیاں تماشے فلماں چلن گیاں نہ مسجد وچ ڈانس ہون گے نہ اتھے غیر شری کوئی کم ہوئے گا اوقاف وچ مسجد چلی جائے تو رب دی مسجد نہیں رہندی اس واسطے انج نہیں ہونا اور جنہاں حرکت کیتی انہاں دے خلاف پرچہ بھی کٹو راتوں رات جی ہم نے ایکشن لے لیا پتہ تھا کل ان کا 14 اگست کا ریلی ہے وہاں کوئی بات نہ ہو جائے بات تو ہونی ہے مسجد وزیر خان نہیں پورے پاکستان کی کسی مسجد میں کسی کو مسجد کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں بالکل ٹھیک ہے بھائی لبیک تو کم کرنا ہے جتھے ہونا ہے لبیک تو بس کم کرنا ہے جیڑا کہ آ جا ان کو ہٹا میری منزل بڑی دور ہے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا رہے گا یوں ہی ان کا بھائی انج نعرہ لانا ہے چھال مار کے لانا ہے چھال مار کے نعرہ لانا ہے انج کر کے جڑا کہ مولانا پڑھیا نا انہیں جانا اس پر چھال ماری او انہیں جانا او انہیں جانا